नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सरकार ने जनता को सुविधा देने के लिए ई रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन सीएम सिटी करनाल में कुछ लोगों ने इस प्रक्रिया के नियमों को ताक पर रख दिया है। आपको बता दें कि जमीन प्लाटों का फर्जीवाड़ा रोकने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ई रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिससे लोगों को अपना रजिस्ट्री करवाने में किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। लोगों को इस सुविधा से काफी हद तक फायदा भी हुआ, क्योंकि पहले रजिस्ट्री करवाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन सीएम सिटी करनाल में कुछ लोग फर्जी रजिस्ट्री के इस खेल में हाईटेक तकनीक से भी जुगत भिड़ाने में जुट गए हैं। इन लोगों व कर्मचारियों द्वारा की जा रही कारगुजारियों पर प्रशासन का ध्यान ही नहीं है। जानकारी के अनुसार सरकार की ई रजिस्ट्री प्रक्रिया के तहत राजस्व रिकॉर्ड से अधिक रजिस्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें रजिस्ट्री के साथ ही इंतकाल दर्ज हो जाता है। इससे कोई भी आदमी राजस्व रिकॉर्ड से ज्यादा सेल नहीं कर सकता। लेकिन सीएम सिटी करनाल की तहसील में रजिस्ट्री क्लर्क वसीका नसीब और कंप्यूटर ऑपरेटर सरकार की इस ऑनलाइन प्रक्रिया को ठेंगा दिखा रहे हैं। इसमें अधिकतर कर्मचारी डीसी रेट पर लगे हुए हैं। ये सभी सरकार की ऑनलाइन प्रक्रिया को दरकिनारे कर रजिस्ट्री कर रहे हैं, जिसकी शायद प्रॉपर्टी खरीदने वालों को भनक भी नहीं है। ये सारा खेल क्लोनाइजर वसीका नसीब, रजिस्ट्री क्लर्क व ऑपरेटर की मिलीभगत के चलते हो रहा है। आपको बताते चले कि ऑनलाइन प्रक्रिया में रजिस्ट्री में इंतकाल साथ के साथ हो जाता है और उसे कंप्यूटर ऑपरेटर पटवारी के पास भेज देते हैं, तो पटवारी उसे मंजूर करवा के ऑनलाइन करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर ने इंतकाल आगे ही नहीं भेजा, जिससे फर्जीवाड़ा का सारा खेल शुरू हो जाता है। जानकारी के अनुसार जगह का खसरा नंबर सेम है और बेचने वाला भी एक ही आदमी है, लेकिन कुछ रजिस्ट्रियों में आरके पूरम की कलेक्ट्रेट रेट व कुछ में मंगलपुर का कलेक्ट्रेट रेट लगा है, जिसके रेट में काफी अंतर है। इस फर्जीवाड़े से सरकार के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में इस सारे मामले को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की करतूतों का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जब इस मामले को लेकर करनाल नायब तहसीलदार से आरके पूरम व मंगलपुर का कलेक्ट्रेट पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आप इस मामले में रजिस्ट्री क्लर्क से बात कीजिए, वो आपको बेहतर तरीके से बता सकेंगे। इसके बाद जब आरसी अमित सिंह कुमार से बात कर पूछा गया, तो उन्होंने व्हाट्सएप पर रजिस्ट्री हुए दस्तावेजों के नंबर भेजे और उनसे मंगलपुर और आरकेपुर का कलेक्ट्रेट रेट पूछा, तो उन्होंने व्हाट्सएप पर उसका कोई जवाब नहीं दिया। जब बाद में उन्हें फोन किया गया, तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। अब इस फर्जीवाड़े के खेल पर कैसे लगाम लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।